जनाब ज़हीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला है। ये जो बिग थ्री के नाम से नई रेगुलेशंस आईसीसी के अंदर मुतारिफ हो रही हैं, इसमें दो राय हैं। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इसमें शेयर भी मिलेगा, सीरीज़ भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं क्योंकि तीन मुल्कों का अमल दखल बहुत बढ़ जाएगा और आईसीसी का रोल महदूद हो जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? एक बड़ी सीधी और सिंपल सी बात वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो पहले भी काफी कंट्रोल था उन लोगों का आईसीसी में, नो डाउट अबाउट इट। जी जी। और अब अगर इंडिया का भी कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा पैसा बहुत आता जाता है और हम ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा पैसा बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी से ज्यादा उस मुल्क से पैसा रेवेन्यू आता है। सही। लेकिन इसका ये मकसद नहीं होता है कि आप जो है वो तीन लोगों की कमेटी बना लें और वीटो पावर आपके हाथ में हो। वीटो पावर तो आजकल यूनाइटेड नेशंस में भी खत्म करने की सोच रहे हैं। सही। तो देखिए, वैसे ही बहुत कम लोग जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, और उस पर अगर आप तीन पावर को दे दें, तीन लोगों को पावर हाथ में दे दें, तो मेरा नहीं लगता ख्याल के पावर जो है वो किसके हाथ में जाएगी किसके हाथ में नहीं जाएगी। ऑब्वियसली जो तीसरा आदमी एक बीच में आ गया, वो उसकी पावर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके ख्याल में। लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ ये भी है कि रेलीगेशन इन टीमों की नहीं होगी। देखिए, रेलीगेशन तो हर टीम की होनी चाहिए। सही। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी है, कभी पाकिस्तान बहुत अच्छी है, कभी इंडिया बहुत अच्छी है, कभी वेस्ट इंडीज बहुत टॉप पे थी। ये इस किस्म की, इसका मकसद ये है कि अपनी अथॉरिटी जो है कुछ मुल्क जो है वो मनवाना चाह रहे हैं, और विच इज टोटली रॉन्ग। आई डोंट बिलीव इन दिस। देखिए, इंडो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है अगर अच्छे भी हों चीज नहीं होते। अगर आप बुक उठा के देख ले, कभी कोई 17 साल के बाद दो दो मैचेस हो जाते या 5 मैचेस हो जाते या 6 मैचेस हो जाते, तो कभी कोई 13 साल के बाद कोई 3-4-5 मैचेस हो जाते। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया का रिकॉर्ड तो कभी भी अच्छा नहीं रहा। हाँ, लॉलीपॉप जरूर है कि भाई हम खुद ये चाहते। देखिए कि हम तो एक बड़ी सीधी सी बात है, और वो ये है कि वो ये चाहता है इंडो पाकिस्तान के मैचेस आपस में होते रहे ताकि इम्प्रूवमेंट हो एशिया में। और देखिए, अब बांग्लादेश जो है वो अगर उसके साथ अच्छे कंट्रीज नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश वहीं का वहीं रह जाएगा। पाकिस्तान जो है इस वक्त उनकी कोई मदरलैंड नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं। तो हाँ, हमारी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए दूसरे कंट्रीज को भी, जो तीन कंट्रीज है, कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये कह रहे हैं। अगर हमको कोई नहीं समझेगा बात है, तो फिर आपस के वोटिंग होगी, वोटिंग में फिर अदावतें शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है इन चीजों से बचने के लिए दे शुड रियलाइज इंग्लैंड। और मैंने जैसे पहले बताया, अब देखिए आईपीएल शुरू होने वाली है, उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर शामिल नहीं है। इंडिया के पास ये बेहतर मौका था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो इसमें शामिल करते तो एक इंटेंशन साबित होती कि वो रीजन पूरे के लिए सीरियस है कि क्रिकेट के फरोख में। देखिए जी, वो तो अपने लिए इस तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, और हर कंट्री जो है वो अपने लिए इंटरेस्ट रखता है। लेकिन अगर आप इतने बड़े मतलब वहाँ बनना चाह रहे हैं इंचार्ज, तो कम से कम आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़हीर अब्बास साहब, अब ये बताइएगा कि अब 28 जनवरी को इजलास हुआ, उसमें एक तो फैसला हो गया कि 5 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी 3 नहीं कम से कम 5, उसमें 2 मजीद कौन से मुल्क शामिल होंगे? और सेकंडली, अब जो 28 फरवरी को इजलास होगा आईसीसी का, तो उसमें अगर वोटिंग होती है, बज़ाहिर तो उनके वोट ज़्यादा नज़र आते हैं जो इस नई जो रेगुलेशन है उसकी हिमायत में हैं, तो इसमें क्या बिग थ्री जो है वो अपनी अमली शक्ल में आ सकता है? देखिए जी, मैं तो अभी भी इस चीज को अपोज करूंगा, हालांकि मेरा यही चाहता है कि जिस तरफ सारे लोग जाए उस तरफ हमको भी जाना चाहिए। लेकिन मैं अपोज सिर्फ इसलिए करूंगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो टोटली डिफरेंट है। हिंदुस्तान हमसे नहीं खेलता, वो न्यूट्रल इवन न्यूट्रल ग्राउंड में नहीं खेलता। तो अगर ये चीजें अगर हमको एक वो एक लिख के दे दे, या कि हम आप साल में आपके साथ इतने टूर्नामेंट खेलेंगे, इतने मैचेस होंगे, तो हमें मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ हमको एतराज होना चाहिए। लेकिन ये कि हर चीज अपनी मनवा लेनी, वो मेरा ख्याल है कुछ टू मच हो जाएगा। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्या इस पोजीशन में हैं कि वो इसके खिलाफ लॉबिंग कर सकें और इसको रुकवा सकें?
देखिए जी, लॉबिंग भी जो ये देखिए ये जो प्लान बन रहा है ये तो कई सालों से बन रहा है कि इस तरह से तीन कंट्रीज अलग हो जाने चाहिए, समझ रहे हैं जी जी। ये उन्होंने एकदम से लाके आपके मुंह पे थोप दिया कि ये इस तरह से होना चाहिए। सही, देखिए हर चीज का जो करना धरना होता है वो एक तरीका होता है। अब आप एकदम से ही बात कर दी और कहने के आप इसका जवाब जो है वो अगले महीने जो 10-15 दिन के बाद जो है वो ये सोच के हमको बता दे। लेकिन साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान अगर अलग हो जाए तो मेरा ये ख्याल है इसके अपोज करें तो उससे ये तो हो जाएगा कि क्रिकेट तो खैर बंद नहीं होगी, मतलब पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अगर साउथ अफ्रीका मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा जो उनको चोट जो है वो आईसीसी को लग सकती है कि अफ्रीका हमारे साथ शामिल है। साउथ अफ्रीका के ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे आते हैं, काफी लोग आते हैं और क्रिकेट को समझते भी है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि जो भी देखिए प्लेइंग कंट्रीज है अगर अगर आप लोग सब जो है वो इंचार्ज बनना चाहते तो प्लीज प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट क्रिकेट नीड्स। और उसमें यह भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की इस वक्त हौसला अफजाई उनको बहुत ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मैंने जैसे बताया कि इस वक्त कोई मतलब हालात जो है वो नहीं है जो किसी जमाने में हमारे जमाने में हुआ करते। अच्छा, वेस्ट इंडीज के बारे में भी ये ख्याल किया जा रहा है कि अब उसका टिल्ट भी उसी जाने में, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आईसीसी जो कि इस वक्त एक क्रिकेट का इंटरनेशनल रेगुलेटिंग इदारा है, क्या आईसीसी के अपने इख्तियारात, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख को नुकसान नहीं पहुंच सकता इस नई रेगुलेशन से? साउथ इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक ही तरह से थे जिसमें सिर्फ अब और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही क्रिकेट चलाया करते थे, ठीक है जी। अब तीसरा मुल्क इसमें शामिल हो गया है। अब आप खुद बताएं कि जब जिससे कि हमारे हालात जो है वो सही नहीं होते, हमसे इंडिया मैच नहीं खेलता है तो एक रिजर्वेशन जरूर आ जाती है। और अगर हमारे हालात मेरे ख्याल है अगर बेहतर होते और इंडिया पाकिस्तान से मैचेस खेलता रहता तो इतने सवालिया जो है वो क्वेश्चन जो है हाँ हमारे जहन में नहीं आते और हम बल्कि बड़ी खुशी से कहते कि जी बिल्कुल सही है, हम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है क्योंकि हमको हमारा शेयर मिल रहा है और सही तरीके से मिल रहा है। हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं और हम खुश हैं, कम अज कम इंडिया जो है हमको फुल सपोर्ट करता है। जब हमें सपोर्ट पहले से ही नहीं है तो अब लॉलीपॉप अगर सिर्फ हमको दे दी जाती है ये हमारे हमारे फायदे में नहीं होगा। लेकिन वही मैंने ये फिर भी ये कहा कि ये सोचना पड़ेगा और इसका ताल्लुक जो होगा वो हुकूमत से भी होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी पूछना पड़ेगा क्योंकि वही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न चीफ है। तो हमें ये सारी चीजें जो है बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जनाब ज़हीर अब्बास साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।